श्री राम। रानी पेशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और सबको हैप्पी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं। कोई आज बना रहा है, कोई कल, कोई बुध को मना रहा है, कोई बृहस्पतिवार को मना रहा है। हमने भी आज आदि आज मनाई है, आदि कल मनाएंगे, ऐसे आप सब भी। और अपने अपने भाइयों से खूब पैसे ऐंठने हैं, है ना, सबकी जेबें खाली करवानी है। करवाई सब लोग, करवाना खूब प्रेम से, खूब लड़ना आज तो चाहिए। कोई मत छोड़ना अपने भाइयों को। आज तो हमें अच्छे से पैसे चाहिए या कोई गिफ्ट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, खूब प्रेम से। भगवान कह रहे आप सबका खूब प्रेम से रक्षाबंधन मने, बहुत प्यार से। मैं तो अपने भाइयों से खूब लड़ती हूँ, खूब। आज के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन और दौज वाले दिन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, चाहे पूरी साथ बोलूं या ना बोलूं पैसे के बारे में, कोई गिफ्ट के बारे में, लेकिन रक्षाबंधन दौज दो दिन भी छोड़ती हूँ, खूब उन्हें तंग करती हूँ अच्छे से। यही तो एक पल है और क्या है, कुछ नहीं रखा जीवन में, यही हंसी, हंसना, बोलना, यही सब कुछ है। कितना अच्छा लगता है जब दोनों बहन भाई मिलके उद्यम करते हैं और एक दूसरे से पैसों के बारे में, गिफ्ट के बारे में बोलते हैं, कहते हैं, लेते हैं, कितनी बहुत खुशी होती है परिवार में। वो कितना खुश नसीब परिवार होता है जिस घर में बहन भाई, मम्मी पापा सब प्रेम से रहते हैं, सारे लोग, ससुराल हो या मायका हो। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिस घर में प्रेम से रहते हैं। जय श्री राम। मैं तो बहुत अच्छे भगवान की कृपा से बहुत किस्मत वाली हूँ। ससुराल भी मेरे को प्रेम वाला मिला और मायका वाला भी मेरा प्रेम वाला ही था। जैसे मेरे मायके में मिला प्यार, वैसे ही मुझे ससुराल में मिलता है। मैं तो खूब ऐसे ही भगवान जी आप सब पर भी कृपा करें। जय श्री राम। अब बता दूं, मैं हम लोग आ गए थे 50 दोहे पर आ गए थे। अब उससे आगे अब रोज की तरह अनुमति ले लें, भगवान जी को भी हैप्पी रक्षाबंधन बोल दें, है ना, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं काना को और सब भगवान जी को। एक बार फिर मेरे तरफ से हाथ जोड़ के सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र हमें अनुमति दीजिए श्री रामचंद्र उपन्यास पढ़ने के लिए। आइए सुनिए और सुनाइए। और हनुमान जी आप भी आइए और विराजमान होइए। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगता है। कान्हा के भी राखी बांधेंगे, भगवान जी के राखी बांधेंगे सबको। राखी हमें जरूर बांधनी चाहिए, भगवान को, कान्हा को, सबको राखी बांधनी चाहिए। ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए कि हम अपने बांध लें और भगवान जी की राखी ना बांधे, नहीं। खूब अच्छे से घेवर खिलाओ भगवान को, कान्हा को, गोपाल को, सबको, अच्छे से ये सबके घरों में त्योहार मने, खूब खुशी खुशी त्योहार मने। ये चले थोड़ा सा कीर्तन हो जाए फिर अपना आगे। जय श्री राम। नाम हर समय जाप करते रहो, हर समय जाप करते रहो। नाम एक
हमारी परेशानियों पे कवच बन के रक्षा करता है। नाम भगवान जी का नाम, चाहे गोपाल का नाम हो, श्री रामचंद्र जी का नाम हो, चाहे माँ का नाम हो, चाहे शंकर भोले बाबा का नाम हो, किसी भी भक्त, चाहे गणेश जी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, नाम जाप करने से एक कवच बन जाता है हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए हमें हर समय नाम जाप करते रहना चाहिए, हर समय नाम जाप करते रहना चाहिए। जय श्री राम। चले 50 दोहे पे आ गए थे, उसको मैं रिपीट कर देती हूँ। सखी ने सिखावने जीन सुनते मधुरी परे नाम हित कछु कान कीन कोटल फिर बोदी कुबेरी। जय श्री राम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। सब लोग सिखा रही है ना, सो मतलब उनको समझा रही है केकई को कि मतलब तुमने कोई हंसी की हो, कोई मजाक की हो तो उसको छोड़ दो, अब बोल दो जिससे कि राम जी वनवास ना जाए। एक कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दी, मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया। जो सिखा रही है सिखाती रही, समझा रही है समझाती रही, पर लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा केकई को। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुर्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि और अभागिनी कहती हुई चल दी। सबने छोड़ दिया कि इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, तो सब लोग यही कह रहे हैं ना कि ये तो मंद बुद्धि है, अभागनी है, छोड़ दिया। राजू कहती है देवी गोई कीने से अस जैसे करही ना कोई, ए भी देख ले पहे और नरे नारी देही को चाल ही कोटे के गारी। राज करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। दे रहे भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है, महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो, ऐसा हो गया। अति विषादिव से लोगन लोगाई गए माते पहे राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ बिटा होते जने राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री
रामचंद्र जी के माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाप उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता के कई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव दयानंद रघुबीर मनो राजु अलान समान छूट जाने बने गमन सोने और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और अब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम के मारे माता कौशल्या के स्तनों से दूध बहने लगा। देखो कितनी महिमा है प्यार की, इसे सच्चा प्रेम कहते हैं। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य सील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहते नर नारी सब अतियारते ये तथा जिस
स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि इस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वात नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको बन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। मुझे आज्ञा दे जिससे मेरा वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी के पासे आनंद ही होगा। वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन का गिलान मतलब दुखी ना कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के सर समय लगे माप और करे से तल बानी जिने जबास परे पावस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौसल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पढ़ने से जवासा सूख जाता है। अब पता चला, पहले वो सोच रही थी कि मतलब राज तिलक के लिए, राज्यभिषेक तिलक के लिए तैयार होंगे, तभी तो कह रही ना मीठा मुंह कर लो, जल्दी नहा लो, तैयार हो जाओ, ऐसे बोल रही। जब
राम जी ने बताया कि वन को जाने के लिए मुझे तैयार होना है, तो वह एकदम सूख गई। जैसे कि बरसात का पानी पड़ने से जबासा सूख जाता है, ऐसे कहना जाई कछु हृदय भी साधु मन हम रही सुने के है नादु नयन सजल तन थर थर कांपी बाजही खाई मीने जनो मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदह बास हो गई हो। देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित प्रसन्न होते हैं। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? मेरे खेरा में रोक सच दे सुत कारण कयो बुझाई सुने प्रसंग रही मूक जिम दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी दुख भरी बातें सुन के कौन चुप नहीं रहेगा, कौन नहीं चुप रहेगा, सब चुप रहेंगे। एकदम वो शांत हो गई कि ये क्या हुआ, मतलब राज तिलक होते होते और वन के लिए कैसे ये हो गया। ना रख ही सकती है ना कह सकती है। अब श्री रामचंद्र जी को क्योंकि बन जाना है, तो अब तो वो ना कुछ कह सकती ना तो उनको रख सकती है, और ना ही उनसे कहते बन रहा है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है, लिखने गए चंद्रमा और लिख गया राहु। मतलब कहां राज तिलक होने जा रहा था और कहां बन के लिए जाने की आज्ञा मिल गई है। धर्म सने ओ मत घेरी भई गते सापे छु छंदर केरी कौशल्या जी की बुद्धि को फिर घेर लिया
उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम बोली बचन वीर धरे भारी पाप जाऊं बले किले हुनी कापत आयस सब धर्म धरे मक्ती का। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे ताप, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जय श्री राम। अब कौशल्या माँ तो सिर्फ अपने मन को समझा ही सकती है ना, सिर्फ मन को समझाएंगी बस, और क्या, समझाना ही समझाना रह गया है बस। और तो सब सही है क्या। अब हम आ गए हैं 55 दोहे पर आ गए हैं। अब इससे जय श्री राम, रोज की तरह थोड़ा कीर्तन हो जाए। जय श्री राम, कीर्तन के बिना क्यों समाप्त नहीं करते हैं, इसलिए कीर्तन जरूरी है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम शुभकामनाएं। सब के घरों में शांति पूर्वक खुशी खुशी रक्षाबंधन बने। कुछ बुध को बना रहे हैं तो कुछ बृहस्पतिवार को मना रहे हैं। भगवान करे सबकी इतनी खुशियां हो, बहन भाइयों में इतना प्रेम हो जिसकी सीमा नहीं, और सबकी और सब अपने माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रेम करें। जैसे अभी अभी सुना ना कौशल्या माँ के, इतना प्रेम श्री रामचंद्र जी से, इतना प्रेम, उनके प्रेम को देख उसके मन को भराई, प्रेम से मन भराया तो एकदम माँ के स्तनों से दूध बहने लगा। काश सबके माँ के
अंदर ऐसे ही अपने बच्चों के प्रति प्रेम रहे। पर आज का जमाना बहुत वैसा गंदा चल रहा है, बहुत ज्यादा, तो अब तो प्रेम बहुत कम होता जा रहा है दिन पे दिन। माता पिता के प्रति बच्चों के, और बच्चों के प्रति माता पिता का, बहनों के प्रति भाइयों का, भाइयों के प्रति बहनों के, बहुत बदलाव आता जा रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव आता जा रहा है। पर भगवान करे कि सबके यहाँ भाई बहनों में भी प्यार रहे, और बच्चों में, माता पिताओं में, मतलब पूरा संपूर्ण परिवार में प्यार बना रहे। श्री रामचंद्र की ऐसी सब पर कृपा हो। ये कृपा तभी होती है जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, भगवान एक कवच बन के हम सबकी रक्षा करते हैं। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा सुनिए और सबको सुनाइए। सब पर कृपा हो श्री रामचंद्र जी, सब पर कृपा हो। जय श्री राम।